खबर है मुझ में कुछ मेरे सिवा मौजूद है। ऑनलाइन म्यूजिक व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन म्यूजिक अगर आपको सीखना है तो आप कैसे संपर्क कर सकते हैं संगीत प्रभा वर्ल्ड से, कौन सा वो नंबर है और क्या प्रोसीजर है क्लास का, क्लासेस किस तरह से होंगी, वीडियो कॉल पे होंगी या हम आपको वीडियोस भेजेंगे, तो उसका क्या प्रोसेस है पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि संगीत प्रभा वर्ल्ड से ऑनलाइन म्यूजिक आप किस तरह से सीख सकते हैं। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। हम सुनाते रहे दास्ता अपने गम की, हम सुनाते रहे दास्ता अपने गम की, वो हर बात पर वाह करते रहे, फिर मुकर्रर मुकर्रर भी कहने लगे और हम आह पर आह भरते रहे। हम सुनाते रहे दास्तां अपने गम की, हम सुनाते रहे दास्तां अपने गम की। अभी अभी आपने जो एक छोटी सी क्लिप सुनी वो हमारे ही एक स्टूडेंट मोहित कुमार ने गाई है और एक गज़ल है वो, जो कि मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी ने लिखी है और उन्हीं की वो कॉम्पोजिशन है, तो उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने। आइए दोबारा आते हैं उसी टॉपिक पर कि कैसे आप सीख सकते हैं ऑनलाइन म्यूज़िक संगीत प्रभा वर्ल्ड से। वीडियो क्लासेस के थ्रू सीखना एक चलन बन गया था लॉकडाउन में, है ना, और उसको ही हमने आगे दोहराया, उसको ही हमने आगे एक्सटेंड किया और हमारी ऑनलाइन क्लास जो है हमने वीडियो क्लासेस के थ्रू शुरू कर दी। आप व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो क्लास कर सकते हैं या फिर जूम कॉल जो होता है उसके थ्रू, है ना। नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर है 9828479211, इस पर अगर आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आप सीख सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कोई सेंस नहीं बनेगा, कॉल आप करेंगे हम यही बोलेंगे कि व्हाट्सएप पर संपर्क करें क्योंकि डिटेल में बात वहीं पर हो पाती है। मेरी जो सिस्टर हैं हिमजा पांडे और दूसरी सिस्टर हरिजा पांडे, वो दोनों फिलहाल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और वीडियो कॉल के थ्रू सिखा रहे हैं। तो आप जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको एक वीडियो भेजा जाएगा, आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि ये फलां फ़ी है और ये प्रोसेस है कि आप वीडियो क्लासेस कितनी होंगी, महीने में कितनी होंगी। अगर आप रेगुलर लेना चाहते हैं तो उसका एक फ़ी स्ट्रक्चर अलग है और हफ्ते में 3 क्लासेस एक दिन छोड़ के एक दिन अगर लेना चाहते हैं तो अलग है, हफ्ते में 2 क्लासेस लेना चाहते हैं तो अलग है। और उस दौरान ये होगा कि वीडियो क्लास पे आप फेस टू फेस तो सीख ही सकते हैं, जो भी क्लास होगी घंटे भर की, आधे घंटे की, 45 मिनट की, जो भी है वो प्रोसेस आपको वहीं मालूम चल जाएगा और क्या उसकी फ़ी है। सबकी अलग अलग फ़ी है, अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहें तो उसकी अलग फ़ी है, अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन लेना चाहें तो उसकी अलग फ़ी है, 2 दिन छोड़ के 2 दिन लेना चाहें तो अलग फ़ी है, है ना। तो जो भी है वो वहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा, जब आप संपर्क करेंगे तो आपको सब बता दिया जाएगा। लेकिन मैं जो आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो ये है कि जब आप ऑनलाइन क्लास सीखते हैं वीडियो के थ्रू तो थोड़ा मुश्किल होता है सीखना, क्योंकि आप ये सोचें कि जो भी चीज़ है वहीं के वहीं बता दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि संगीत में रियाज अभ्यास जो है ज़्यादा करना पड़ता है बनिस्बत के सिखाने के, है ना। सीखने का इतना नहीं होता है जितना कि प्रैक्टिस करने का होता है। मैं आपको सीखने की 4 बातें बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप जब तक उस चीज़ का प्रयास नहीं कर लेते, रियाज नहीं कर लेते, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है, वो चीज़ आपको नहीं आएगी। मैं कितना ही अच्छा गुरु हूँ ये साबित नहीं कर देता है कि मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे निकलेंगे ऐसा कुछ नहीं। जब तक स्टूडेंट्स कुछ नहीं करते मेरा कोई वजूद नहीं है, यानी किसी भी गुरु का कोई वजूद नहीं, किसी भी सिखाने वाले का कोई वजूद नहीं है। तो वहाँ आपको सीखने को तो मिलेगा, सीखने को रेगुलर चीज़ें मिलेंगी, बताई जाएंगी, आप चाहेंगे तो जब आपकी क्लास नहीं है तब भी आप ऑडियो वीडियोज़ अपने भेज सकते हैं, प्रैक्टिस करके आपने छोटा ऑडियो रिकॉर्ड किया वो भेज दिया कि भाई हमको बता दीजिए कि इसमें क्या कमी खामी है, तो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। टेक्स्ट के थ्रू बता सकते हैं आपको कि अगर कोई चीज़ आपको लिखना नहीं आ रही है वो बताई जा सकती है। कुछ आपके ही सिलेबस से रिलेटेड, आपकी ही समस्या से रिलेटेड वीडियोस जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं उनके लिंक्स आपको दिए जा सकते हैं कि वो आप देखिए,
वो सब आपको करना पड़ेगा, उसमें भी मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वीडियो क्लास हमने ज्वाइन कर ली तो हमको संगीत आ गया भाई। और ये भी बता दूं, सबसे पहला जो आपका सवाल रहता है कि कितने वक्त में आप सीख सकते हैं, कितने दिनों में, कितने टाइम में सीख सकते हैं, तो उसका जवाब जो है ऑनलाइन क्लास में थोड़ा लंबा हो जाता है, बनिस्बत कि आप रहकर किसी के पास सीखें। अगर आप किसी के पास जाकर सीखते हैं, घंटा भर वहीं देकर सीखते हैं, तो फिर भी मैं ये कह सकता हूं कि आपको थोड़ा जल्दी आ सकता है बनिस्बत के ऑनलाइन के। लेकिन इस ही अपने ही अपनी ही इस दलील को मैं ही काटूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आप ही के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप यहाँ आकर भी रहकर भी घंटा घंटा भर रहकर भी अगर आप रियाज नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं आने वाला है। और ऑनलाइन क्लास में अगर बहुत थोड़ा ही समय होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करी है तो आपको बहुत कुछ आ सकता है, बिकॉज सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए होती है संगीत में भी, या मैं कहूँ किसी भी फील्ड में सिर्फ एक गाइडेंस चाहिए होती है कि इस दिशा में चलना है। अगर आप में वो क्षमता है कि आप चल सकते हैं तो आपको बहुत कुछ आ सकता है, और अगर क्षमता नहीं है तो मैं हाथ पकड़ कर भी चलाऊंगा, आपको कुछ नहीं आने वाला है ना। तो ये एक चीज़ है, तो ऑनलाइन क्लास से सीखना है सीखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आपके सामने हमने सारी सुविधा रख दी है, आपके सामने 3 दिन की क्लास, हफ्ते भर की क्लास, 1 दिन की क्लास, सारे सुविधाएँ हैं, सारे प्रोसेस हैं, सारी कैटेगरीज हमने डिवाइड कर दी हैं। स्वरांगिनी किताब आपके लिए हमने हिंदी इंग्लिश में दोनों में बना दी है, PDF है, घर आपके आ सकती है किताब, लेकिन करना तब भी आप ही को पड़ेगा, रियाज आप ही को करना पड़ेगा। और हाँ, साज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हम आपको जो अलंकार बताएंगे, सिलेबस जो बताएंगे, सिलेबस नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो सिलेबस हम कम कर देंगे या आसान और हो जाएगा कुछ, हम गाने वाने सिखाने लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस वही रहेगा, वही अलंकार, वही थाट, वही स्केल्स हैं, वही ताले हैं, वही लयकारियां हैं, वही राग है, और वही प्रोसेस है ना। जैसा हम यहाँ सिखाते हैं वैसा ही हम ऑनलाइन पे सिखाएंगे, और वक्त उतना ही लगेगा, है ना। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, उस चीज़ पर गौर करते हुए ही आप आएँ सीखने, और फिर ही आप अच्छे से सीख सकेंगे। तो कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पर, और मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैसेज पर ही आपको सारा जवाब दिया जाएगा, और वीडियो कॉल की जो क्लासेज है वो वहीं पर होंगी। तो पेशेंस जो है आपको वहाँ थोड़ा और ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वीडियो कॉल है तो कई बार क्या होता है, नेटवर्क की भी थोड़ी समस्या रहती है, और टाइम का आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि जिस टाइम आपकी क्लास है उसी टाइम आपको आना पड़ेगा। थोड़ा भी आगे पीछे होते हैं तो क्या होता है, टीचर का शेड्यूल बिगड़ जाता है ना। फिलहाल आपको वहाँ पर जो क्लासेस लेंगी वो मेरी दोनों सिस्टर्स ही होंगी, है ना, उनसे आप वाकिफ़ हैं अच्छे से, हमारे चैनल पर वो कई बार आपके सामने प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं, सिखा चुकी हैं, तो वही आपको सिखाएंगी, और वही सिलेबस है संगीत प्रभा वर्ल्ड का, हमारे जो पिता गुरु हैं पंडित अवधकिशोर पांडे, उन्हीं का बनाया हुआ सिलेबस है, वही किताब है स्वरांगिनी, उसी का सिलेबस है, ठीक है। तो देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, ऐसे ही कुछ ना कुछ हम नया लाते रहेंगे। मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करें, वहां जो गीत गजल भजन आ रहे हैं उनको देखें, उनको प्रमोट करें, उन्हें सपोर्ट करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या नया मैं ला सकता हूं, और क्या टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बना सकता हूं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।